दोस्तों, कई बार हम लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ आना चालू हो जाता है या फिर डार्क स्पॉट आना चालू हो जाता है या फिर हमारे हेयर्स जो है वो वाइट होके ग्रे होने लग जाते हैं या फिर हमारी बियर्ड के हेयर्स ग्रे होने लग जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एजिंग के साइन है। अगर आपकी एज कम है बट आपके शरीर में ये साइंस दिखना लग गई है, इसका मतलब आपको प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम आ गई है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है, इसका प्रिवेंशन क्या है और या फिर इसका ट्रीटमेंट कुछ ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निपुण केसरकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एजिंग के बारे में या फिर स्पेसिफिकली कहा जाए तो प्री मैच्योर एजिंग के बारे में। प्री मैच्योर एजिंग वो होता है कि आपकी स्किन जो है आपके एज से ज़्यादा ओल्ड दिखती है, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। तो इसमें सब क्या, तो आखिर ये कंडीशन होती क्यों है? दोस्तों, कई बार हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल रिपीटेशन सेल्स की होती रहती है, मतलब एक सेल डाई होती है और उसकी जगह पे दूसरी सेल उसकी जगह को रिप्लेस करती है। इन रिपीटेशन की प्रोसेस को जब हिंड्रेंस आता है, जब ब्लॉकेज आता है, तो उस टाइम पे हमारे जो स्किन है हेयर से इनमें एजिंग के साइंस दिखना चालू हो जाते हैं। तो ये कौन कौन सी सेल्स होती है जिनके अंदर अगर ये ब्लॉकेज आ जाता है तो उस टाइम में एजिंग दिखती है? फर्स्ट है केराटिनोसाइट। अगर आपकी स्किन के बेसमेंट लेयर जोन के केराटिनोसाइट प्रॉपरली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे एजिंग की साइंस आती है। ये हो गया सुपरफेशियल। अगर हम डीपर लेयर की स्किन के जाएं तो उसके अंदर कोलेजन, फैट टिश्यूज जो आपके होते हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों का इफेक्ट आपको नज़र आता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका ज़्यादा डायलेट होना और फिर श्रिंक होके रुक जाना, ये भी एजिंग के साइंस को बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे आपके स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, कई बार हमें स्ट्रेस आता है उसकी वजह से भी हमारे स्किन में झुर्रियाँ आती है या फिर बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चालू रहती है उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स, फ्री हाइड्रोजन रेडिकल्स आपकी जो स्किन है उस स्किन को डैमेज करते हैं, वहाँ की सेल्स के डीएनए को रिपेयर नहीं होने देते हैं और जिसकी वजह से ये डैमेज बढ़ते जाके एक परमानेंट एजिंग की साइंस दिखाता रहता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे लाइफ के जो स्ट्रेस आता है उसके बारे में। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा तनाव होता है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से ये सारे साइंस हमारे बॉडी में दिखने लग जाते हैं। इस जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप कई घंटों से काम करते रहते हैं, आपका जो शेड्यूल है सुबह जगने का रात में सोने का वो अलग है, तो उस टाइम में आपके जो आंखें हैं उसके बाजू में राउंड डार्क सर्कल आ सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो ड्राई रूखी दिख सकती है, आपकी जो स्किन है उसके ऊपर झुर्रियाँ दिखती है, बड़े बड़े लाइन्स दिखते हैं, जो शैगिंग होती है वो दिखती है और बालों के जो कलर होता है वो खो जाता है और जिसकी वजह से सफ़ेद बाल आपके दिखने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके बियर्ड्स हेयर भी चेंज हो जाते हैं और आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घट जाता है। तो इस सब के लिए आपके पास प्रिवेंशन होने का कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, प्रिवेंशन होता है आपकी लाइफ स्टाइल में या फिर लाइफ का जो मॉडिफिकेशन होता है वो करना आपका बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको जो आपकी लाइफ है उसके अंदर स्ट्रेस को रिड्यूस करना होता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना होता है, प्रॉपर आपका जगने और सोने का टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे सुबह आप जल्दी उठोगे और रात को जल्दी सोओगे, प्रॉपर अमाउंट में आपको वाटर इनटेक लेना है, वाटर इनटेक अगर आपका कम है तो उसको बढ़ाना है, मॉइस्चराइज करना है स्किन को, जेंटल क्लिंजर्स यूज़ करने हैं आपको। कई बार अगर आप बाहर ज़्यादा जाते हैं तो सनस्क्रीन दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर आपका वर्क ज़्यादा धूप में रहता है तो आपको SPF 50+ सनस्क्रीन यूज़ करने हैं, जो आपका हैट है वो बड़े साइज का लेना है, आपको स्कार्फ लगाने हैं जिसकी वजह से धूप आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट एक्ट ना करे और जिसकी वजह से आपकी स्किन का डैमेज होने से बच जाए। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद में भी अगर आपको एजिंग के साइंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो उस टाइम में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और आपको जो स्किन केयर होती है वो कैसे लेनी है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रीमैच्योर एजिंग की मेडिसिन के बारे में। दोस्तों,
हमें जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए जो मेडिसिन लेने होते हैं उसमें मोस्टली एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन रहते हैं। सो इन विटामिन में जनरली विटामिन ए बी सी डी ई के इस सारे विटामिन का जो है वो पार्ट होता है, और वो सारे विटामिन आपके लिए रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर टेस्ट करने के बाद में जो कम है वो आपको दिया जाता है। जनरली विटामिन सी या विटामिन ई ये ज़्यादा अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, और ये आपके बॉडी में से फ्री रेडिकल को कैप्चर करके उनको निकाल देते हैं, और बाकी जो विटामिन है विटामिन बी विटामिन ए ये सारे विटामिन आपके हेल्थ स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। विटामिन डी आपके स्किन और हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। बायोटीन जैसे सप्लीमेंट्स आपके जो हेयर से उनको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स रहती है जो आपके जो स्किन है उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है, जिनके अंदर पील ऑफ से लेके लेज़र तक हर अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स रहती है। पील ऑफ के अंदर जो अल्फा हाइड्रोक्सी पील या फिर ट्रूथ फेशियल पील जो बोलते हैं उस पील का ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प मिलता है। जो पील आपके स्किन पे लगने के बाद में उस न्यू स्किन रीजनरेट होने में हेल्प करती है, ऊपर की स्किन जो है वो पील ऑफ हो जाती है और वो निकल जाती है। दूसरा जो टाइप आता है ट्रीटमेंट का ये आता है आपका माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग जो होता है वो स्मॉल होल्स क्रिएट करता है अराउंड आपके हेयर के साइज के, जो कि आपके स्किन के अंदर के जो कोलेजिन टिश्यू है उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू कोलेजिन फॉर्मेशन होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स आपके आते हैं जो आपको ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। इन सबसे आपके स्किन के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होता है और आपकी स्किन हेल्दी और बाउंसी स्किन दिखती है। इसके बाद में आपको जो ट्रीटमेंट आती है वो लेज़र ट्रीटमेंट आती है। लेज़र में भी कई सारी ट्रीटमेंट होती है जो कि टारगेटेड होती है अलग अलग लेवल पे, जो कि पिगमेंटेशन पे टारगेट हो सकती है, जो कि आपके स्किन के कोलेजन टिश्यू है उनके लिए टारगेट हो सकती है, ब्लड वेसल्स होते हैं स्किन में, माइक्रो कैपिलरीज होते हैं उनके ऊपर टारगेट हो सकती है। ये जिस जिस जगह पे जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है उन हर जगह को स्पेसिफिकली टारगेट करके उसके बाद में उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपको प्रीमैच्योर एजिंग हो रही है या फिर अगर आपको उसको बचना है या फिर उसके बचने के लिए आपको कुछ सलाह चाहिए या फिर कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।